प्रस्तावना। करेले की आम्र दीक्षा। करेला यानी स्वाद में कड़वा लेकिन स्वभाव में मीठा। करेला ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करता है, रक्त को शुद्ध करता है, होजरी को प्रदीप्त करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। पैंक्रियास के कैंसर में करेला रामबाण है, सोरायसिस मिटाता है। पेट के रोगों में करेला अत्यंत गुणकारी है। इस प्रकार अनेक औषधीय गुणों से भरपूर होने के बावजूद करेला सभी को प्रिय नहीं होता है। मात्र स्वाद के आधार पर मूल्यांकन करने का ढंग छिछला माना जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी अनेक घटनाएं घटित होती है जिन्हें हम करेला ब्रांड घटनाएं मान सकते हैं। करेले जैसी ही कड़वी नापसंद घटनाओं का जीवन की स्वस्थता के परिप्रेक्ष्य में औषधीय मूल्यांकन करना आता हो तो वे दुखद घटनाएं भी जीवन उपयोगी बन जाती है। करेला को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कोया भगत का रचा एक सुंदर गुजराती भजन यहाँ पर प्रस्तुत है। ये शब्द देखिए, इस भजन की प्रत्येक कड़ी से एक संदेश बह रहा है। जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक दुखद घटना भी मीठी होती है। उसकी मिठास को पहचानना, उसका आनंद लेना और अनुभव करना आवश्यक है। यदि सकारात्मक अर्थघटन की कला प्राप्त हो जाए तो चिलचिलाती धूप में भी मूसलाधार बरसात की भावभीनी आमंत्रण पत्रिका पढ़ी जा सकती है। रात्रि के घोर अंधकार में भी सूर्य नारायण के आगमन के संकेत सुने जा सकते हैं और गहरी खाई में भी पर्वत के उत्तंग शिखर का प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। कड़वे करेले की भांति प्रत्येक दुखद घटना भी एक रामबाण जीवन औषधि है। इनमें निहित औषधीय गुणों का सामान्य परिचय करते हैं। दुख है तो सुख का मूल्य है, अंधेरे का अस्तित्व है इसीलिए उजाले का महत्व है। प्रकाश से भरे एक विशाल हॉल में दोपहर के समय एक कोने में मोमबत्ती टिमटिमा रही हो तो कदाचित वो किसी की दृष्टि में भी नहीं आती है, जबकि वही मोमबत्ती रात को 10 बजे अंधकारमय हॉल में सभी का ध्यान आकर्षित करती है। क्रेडिट गोज टू डार्कनेस। सुख गोंद का डिश है। गोंद का पकवान पचाने के लिए होजरी शक्तिमान होनी चाहिए। दुख मन को पाचन क्षम बनाता है, दुख का अस्तित्व है इसीलिए व्यक्ति का मस्तिष्क सुख के क्षणों में थोड़ा नियंत्रित रहता है। जिसने कई करोड़पतियों को अपनी दृष्टि के सन्मुख भिखारी बनते देखा हो उस पर अपनी अमीरी का उन्माद थोड़ा कम चढ़ता है। दुख पाप की क्षमता को तोड़ता है। अमीरी स्वस्थता और अनुकूलता की परिस्थिति में व्यक्ति पाप करने के लिए जितना प्रेरित होता है उतना गरीबी रोग या प्रतिकूलता की परिस्थिति में प्रेरित नहीं होता है। दुखिया का दुख समझने की सूझ स्वाभाविक रूप से दुख की अवस्था में ही विकसित होती है। सुभाषित याद आता है, दुखी ना दुखनी वातो सुखी ना समझी शके, सुखी जो समझे पूरु तो दुख ना विश्व मा टके। अर्थात दुखी लोगों के दुख की बातें सुखी लोग नहीं समझ सकते, यदि सुखी लोग समझने लगे तो विश्व में दुख टिक ही नहीं सकता। दुखिया को दुखिया ही अच्छे ढंग से सच्चे ढंग से समझ सकता है। जगत में मानवता का अस्तित्व दुख को ही आभारी है। जगत में यदि दुख का अस्तित्व ही न होता तो मनुष्य हैवान बन जाता। दुख तो मानवता के पौधे की देखभाल करने वाला माली है। मानव मन की यह विशेषता रही है कि जब दुख आता है तब ही विशेषकर भगवान और धर्म याद आते हैं। माँ कुंती कृष्ण से प्रार्थना करती है, विपत्तियो कायम अमने वलगेली रहो, कारण के विपत्ति मा कायम तमे अमारी पड़खे रहो छो। अर्थात विपत्तियां हमसे लिपटी रहो क्योंकि विपत्ति में सदैव आप हमारे साथ रहते हैं। दुख आत्मा और मन को स्वच्छ बनाता है। अग्नि से स्वर्ण की शुद्धि होती है। दुख वह अग्नि है। इस अग्नि में कर्म जलने से आत्मा निर्मल बनती है और अहंकार आसक्ति आदि दोष जलने से मन स्वच्छ होता है। यह मार्केटिंग का जमाना है। स्मार्ट मार्केटिंग से गंजे व्यक्ति को भी कंगी और बिना दांत के व्यक्ति को भी सुपारी खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पूरी दुनिया दुख की विरोधी है। दुख किसी को भी पसंद नहीं है। ऐसी इस दुनिया में दुख की स्मार्ट मार्केटिंग हो रही हो ऐसा यह करेला पुस्तक पढ़ने से लगता है। दुख आता है तब व्यक्ति लाचार और हीन हो जाता है, मन से अस्वस्थ और खिन्न हो जाता है, असमाधि के वश होकर आत्महत्या के विचारों की ओर मुड़ जाता है, मन से संक्लिष्ट बनकर चिकने कर्मों का उपार्जन करता है और नए भावी दुखों को आमंत्रित करता है। दुख कदाचित अनिवार्य हो सकता है परंतु दुखी होना अनिवार्य नहीं है। कई बार तो व्यक्ति बिना दुख के भी दुखी होता है। यह लेखक जब दुख आए तब भी दुखी नहीं होने की कला सिखाते हैं। दुख को देखने का दृष्टिकोण बदल जाए तो प्रत्येक दुख अमृत समान बन जाए। लेखक ने इस पुस्तक में दुख को देखने के ऐसे अनेक सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाए हैं।
लेखक ने उदाहरणों, दलीलों और दृष्टांतों का भरपूर उपयोग किया है, इसलिए यह पुस्तक जितनी बोधप्रद है उतनी ही रोचक भी है। पाठक का जीवन की कड़वी घटनाओं के प्रति रवैया बदल जाए, ऐसी सटीक और धारदार प्रस्तुति है। पुस्तक के कुछ पकवान तो ऐसे हैं कि पाठक उन्हें चखने का लालच रोक ही नहीं सकता। हमें याद रखना चाहिए, कड़वी घटनाओं की याद मूल यानी कि जड़ है, फरियाद यानी कि शिकायत अंकुर है, उससे उत्पन्न होने वाला विवाद तना यानी कि थड़ है, और उससे होने वाला बिखराव शाखा है, तथा परिणामतः निरंतर अनुभव होने वाला विषाद उसका फल है। अर्थात परिणाम का मूल सोच पर निर्भर करता है। पुलिस इंस्पेक्टर की भी डायरी होती है और एक प्रेमी की भी डायरी होती है। पुलिस इंस्पेक्टर की डायरी में क्या होता है, उसने यह चोरी की है, इसने किसी की हत्या की है, उसने हंगामा मचाया है और उसने मारपीट की है, बस मात्र क्रिमिनल्स और अपराधों का ही उल्लेख होता है। प्रेमी की डायरी में अपने प्रियजनों को पसंद आने वाली बातों के उल्लेखों से ही उसके पन्ने भरे होते हैं। मात्र मिठाई नहीं, तीखी नमकीन वस्तुएं भी भोजन का अविभाज्य अंग है। मात्र हीरो ही नहीं, विलेन भी फिल्म का एक आवश्यक अंग होता है। प्रबल विपक्ष सफल लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। वैसे ही कड़वी घटनाएं भी जीवन के ताने बाने में बुनी हुई है। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आने वाले दुख पूर्वकृत पापरूपी अपराधों की सजा होते हैं। दुखों से भागने के लिए आत्महत्या करना कैदी का सजा से बचने के लिए जेल की दीवार फांदकर भाग जाने जैसा है, लेकिन इस जेल से भाग जाने से कैदी की सजा पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि जब पुलिस कैदी को पकड़कर ले आती है तब उसकी सजा और बढ़ जाती है, क्योंकि सजा अधूरी छोड़कर भाग निकलना भी एक अपराध है। इसी प्रकार दुख से बचने के लिए आत्महत्या करना भी जेल से भाग छूटने जैसा होने के कारण एक प्रकार का अपराध ही है, और इसीलिए परिणाम स्वरूप दुख रूपी सजा में वृद्धि ही होती है, कटौती या छुटकारा नहीं। प्रयोजनावशात माँ बाहर निकली है, कहीं जाना है, साथ में दो पुत्र है, एक 15 वर्ष का, दूसरा 5 वर्ष का। एक थैली उठानी है जिसमें 2-3 किलो वजन है। माँ वह थैली उठाने की जिम्मेदारी किसे सौंपेगी, बड़े को या छोटे को? बड़े को। क्यों, वह अनमना है? नहीं, क्योंकि उसमें वजन उठाकर चलने की क्षमता है, छोटे बेटे में वह क्षमता नहीं है। इसीलिए हमें भी ऐसा ही समझना है, प्रकृति माँ है, उसने पड़ोसी को नहीं और हमें ही दुख दिया। वो इसलिए नहीं कि हम उसे नापसंद है, बल्कि इसीलिए कि उसने हमारे अंदर क्षमता देखी है। मजदूर ने क्रेन पर 1 टन वजन लटकाया, बाद में 2 टन वजन रखा, इसके बाद 1.5 टन वजन लटकाया, तत्पश्चात पुनः 2 टन वजन रखने का अवसर आया। वो तो निश्चिंत था क्योंकि क्रेन की क्षमता 5 टन की है, ये उसे पता है, लेकिन क्रेन ऑपरेटर उस समय उतर चुका ये पुराना 1+2+1.5 यानी कि 4.5 टन के वजन को पुनः लटका दे तो परिणाम यही आएगा ना कि क्रेन टूट जाएगी। इस पुस्तक के लेखक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभय शेखर सूर्यश्वजी महाराज साहेब धर्मशास्त्रों और दर्शन शास्त्रों के महान विद्वान हैं। वे हृदय स्पर्शी और जीवन स्पर्शी प्रवचनकार है, मानव मन की विशेषताओं और कमियों के अच्छे अभ्यासी है, मन को स्वस्थ व स्वच्छ रखने की कलाओं के एक चोटी के कलाविद है। अनेक धर्मशास्त्रों और दर्शन शास्त्रों पर उन्होंने कलम चलाई है। उन्होंने बीमार मानव मन का उपचार करने वाली कई पुस्तकें लिखी हैं। हंसा तू झील मैत्री सरोवर माँ और जेलर इसके ताज़ा उदाहरण है। इसी श्रृंखला में करेला पुस्तक स्थान प्राप्त कर रही है। थाली में परोसा जाने वाला करेला जिसे कड़वा लगता हो उसे भी यह करेला पुस्तक बहुत मीठी लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आगे बढ़कर इस करेले के प्रभाव से जीवन में घटित होने वाली करेले जैसी अनेक कड़वी घटनाएं आम की तरह मीठी लगने लगेगी। करेला को आम्र दीक्षा देने वाले पूज्य आचार्य श्री को लाख लाख अभिनंदन। भूल से जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी लिख दिया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। करेला पुस्तक में यह प्रस्तावना परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय मुक्ति वल्लभ सुरेश्वरजी महाराज साहिब ने लिखी थी। जय जिन शासन, जय महावीर।